जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो क्लास 10 की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 11 है, जिसमें दोस्तों हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन इसका सोल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में जितने भी इसके क्वेश्चन है सारे हम सोल्व करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया, चैप्टर फर्स्ट सेकेंड को भी हमने बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो 3.3 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया है कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से समीकरणों को हल किया जाता है। यहाँ पर जो हमें समीकरण दिए रहते हैं उनसे हम एक का काल्पनिक मान ज्ञात करते हैं, जैसे एक्स या वाई किसी का भी, और उसे दूसरे समीकरण में उस मान को प्रतिस्थापित करते हैं और बाद में उसका वास्तविक मान ज्ञात करके पहले समीकरण में रख देते हैं। तो जितने भी चर हमें समीकरण में दिए गए हैं दोनों चरों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए गए हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस समीकरण से आप काल्पनिक मान ज्ञात करेंगे, दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर का आप काल्पनिक मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए काल्पनिक मान क्या है, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन का मेथड क्या रहने वाला है। जब दोस्तों क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है दी गई रैखिक समीकरण युग्म। तो ये दो रैखिक समीकरण युग्म है। अब यहाँ पर देखिए दो नंबर जो समीकरण है उससे हम अक्ष का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, तो दो नंबर समीकरण हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर हम x का मान देखेंगे, इसलिए y को हम पक्षांतरण करेंगे। तो x का मान कितना होगा 4, y उधर पक्षांतरण होगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस वाई x का मान आएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हम किसी समीकरण से किसी का काल्पनिक मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि एक्स का हमने काल्पनिक मान ज्ञात किया है जो 4 प्लस वाई है, तो इसे दोस्तों जिस समीकरण से हमें ये मान ज्ञात करते हैं उसमें नहीं रखना है। तो समीकरण हमें एक और दिया रहेगा उसमें इसका मान रखना है। तो ये हमने समीकरण 2 से निकाला है तो इसे एक नंबर समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि दोस्तों समीकरण नंबर 2 से हमने समीकरण नंबर 3 बनाया है। तो समीकरण 3 में देखिए x का मान है 4 प्लस वाई, तो जहां पर x है वहां पर हम रख देंगे 4 प्लस वाई। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो यहां पर प्रतिस्थापन विधि से हम कर रहे हैं तो यहां पर हम प्रतिस्थापन लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो यहां पर देखिए जब x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 14, तो इसमें हम मान रखेंगे x का मान है 4 प्लस वाई, तो x की जगह हम रख देंगे 4 प्लस वाई साथ में दिया गया है और बराबर है 14 के। इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो देखिए 4 प्लस वाई ब्रेकेट को ओपन करेंगे प्लस वाई होगा बराबर में 14 होंगे। अब देखिए वाई और वाई को एड करेंगे तो 4 प्लस 2 वाई हो जाएगा और बराबर 14। अब यहाँ पर देखिए 4 है जो अचर पद है, इसे हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो 2y बराबर देखिए 14 में से 4 घटेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, उधर जाते ही माइनस होगा। तो 2y बराबर किसके रहेगा, 14 में से 4 घटाएंगे 10 बचेगा, और y का मान कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2 इसके गुणा में है तो 10 के बटे में जाएगा तो 10/2, यानी y का मान यहाँ पर कितना आएगा, 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा। तो y का मान 5 आ रहा है, यहाँ से हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो समीकरण 3 जो है वो x के इक्वल है तो इसमें हम y का मान यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये इसके बाद में हमें करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा देखिए है x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई, यहाँ पर y का मान हम रखेंगे जो हमने ज्ञात किया है, y बराबर 5 है तो y की जगह 5 रखेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। तो x का मान 9 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, y का मान है यहाँ पर दोस्तों 5।
तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर दो समीकरण हमें दिए गए रहेंगे। एक समीकरण से हम एक चर का काल्पनिक मान ज्ञात करेंगे, उस काल्पनिक मान को जो दूसरा समीकरण हमें दिया गया उसमें प्रतिस्थापित करेंगे, उसके बाद में एक चर का मान हमारे पास आएगा। तो जिस चर का मान हमारे पास आएगा उसे हम दूसरे समीकरण में या तीसरे समीकरण में रख देंगे, जो हमने किसी चर के बराबर किया था उससे हमारे पास दूसरे चर का मान आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। चलिए इसका सेकेंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकेंड इसका पॉइंट, उसमें दो हमें इक्वेशन दिए गए हैं, पहला ये हम मान लेते हैं, दूसरा ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो समीकरण है उसमें हमें फ्रैक्शन में संख्याएं दी गई है, तो इसे हम आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो समीकरण एक से हम एक जो चर हमें दिया गया है उसका काल्पनिक मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर एक से, समीकरण एक हमारे पास है एस माइनस टी बराबर तीन दिया गया है, तो t को उधर पक्षांतरण करेंगे तो s का मान ज्ञात हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन, और t उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तीन प्लस t, ये हमारा समीकरण नंबर तीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों समीकरण तीन से s का जो मान है समीकरण दो में हमें रखना होता है, लेकिन सबसे पहले तो समीकरण दो को हम हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर दो से, अब दो नंबर समीकरण हमारा है दोस्तों एस बटे तीन प्लस टी बटे दो हमें दिया गया है और बराबर में छह, तो इसे हम सोल्व किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं। तीन और दो के एलसीएम लेंगे, छह आएगा, तीन का भाग छह में दो बार, दो का गुणा एस से दो एस हो जाएगा, प्लस दो का भाग छह में जाएगा तीन बार, तीन का गुणा तीन से करेंगे तीन टी हो जाएगा बराबर में छह। अब छह के बटे में एक रख लेते हैं और छह का गुणा छह से हो जाएगा, इसका गुणा एक से हो जाएगा, तो ये होगा दो एस प्लस तीन टी बराबर हो जाएगा छह का गुणा छह से छत्तीस। तो ये हमारा समीकरण आया है, तो इसे ही आप दो नंबर समीकरण रख सकते हैं या इसे आगे नंबर लगा सकते हैं। अब दो नंबर समीकरण से दोस्तों हमने ये समीकरण ज्ञात किया है, तो यहाँ हम s का मान लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण तीन से s का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, या आप यहीं पर इसे सोल्व कर सकते हैं, दो नंबर समीकरण आप ये रख सकते हैं, ठीक है, या इसे चार नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण तीन से s का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये सभी में मेथड चलने वाला है, सभी में ये लिखना है। तो समीकरण तीन से अब यहां पर देखिए दो नंबर समीकरण हमारा है दो एस प्लस तीन टी और बराबर है छत्तीस। तो यहां पर हम एस का मान रखेंगे, एस का मान देखिए हमने ज्ञात किया है, काल्पनिक मान है तीन प्लस टी, तो यहां पर देखिए दो एस का मान हम रखेंगे तीन प्लस टी और प्लस तीन टी और बराबर हो जाएगा छत्तीस के। तो यहां पर देखिए गुणा कराएंगे, दो का गुणा तीन से छह हो जाएगा प्लस दो का गुणा टी से दो टी हो जाएगा प्लस तीन टी साथ में दिया गया है और बराबर हो जाएगा छत्तीस के। अब यहां पर देखिए दो टी और तीन टी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे पांच टी बराबर हो जाएगा छत्तीस के। अब देखिए छह को हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो माइनस का होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं पांच टी बराबर छत्तीस माइनस छह। अब यहां पर देखिए पांच टी है तो छत्तीस में से छह घटाएंगे तीस बचेगा, टी के साथ में पांच गुणा हो रहा है तो टी का मान कितना आएगा तीस बटे पांच, यानी कि छह बार भाग जाएगा, यानी टी हमारा कितना आ रहा है छह आ रहा है। अब टी का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो टी का जो मान है वह हम समीकरण नंबर तीन में लगा देंगे, तो एस का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर हमें लिखना है टी का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो टी का मान समीकरण तीन में हम रखेंगे, तीन नंबर समीकरण हमारा है एस बराबर तीन प्लस टी, और टी का मान हमने ज्ञात कर लिया जो छह आया है, तो तीन प्लस परम छह रखेंगे, छह और तीन जुड़ के कितना हो जाएगा नौ, यानी कि एस का मान कितना आ रहा है नौ है। तो यहां से हमने दोनों के मान ज्ञात कर लिए, टी का मान छह और एस का मान नौ है। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हमें समीकरणों को हल करना है, जो चर हमें दिए गए रहते हैं एक्स वाई या एस टी उनका मान ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। और दोस्तों जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन, समीकरण एक हम इसे मान लेते हैं और दो नंबर समीकरण हमारा ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से करेंगे, समीकरण एक से हम या तो एक्स के या वाई के काल्पनिक मान ज्ञात कर लेते हैं, तो वाई का कर लेते हैं। देखिए वाई को इधर पक्षांतरण करेंगे प्लस का हो जाएगा, तीन को इधर पक्षांतरण कर देंगे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण एक से हम लिख सकते हैं वाई बराबर
तीन एक्स माइनस के तीन, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर तीन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों तीन नंबर समीकरण से वाई का मान हम समीकरण नंबर दो में लगाएंगे। यहाँ पर मैं बार बार मेथड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने दो क्वेश्चनों का मेथड लिख दिया है तो उसी तरीके से मेथड चलने वाला है, उसी तरीके से सेम तरीके से मेथड आप लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों बार बार हम मेथड लिख के आपको बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा, वीडियो भी काफी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं मेथड आपका सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए y का मान हम समीकरण नंबर दो में लगा देते हैं तो एक दो नंबर समीकरण है 9x माइनस तीन, y का मान हो जाएगा 3x माइनस तीन बराबर 9 के। इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो 9x माइनस तीन का गुणा 3x से 9x होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस तीन का गुणा माइनस तीन से कराएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 9 बराबर आ रहा है 9 के, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए स्थिति क्या बन रही है, अगर हम 9 को पक्षांतरण करते हैं उधर तो 9 है जो 9 में से घटेगा 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 9x प्लस के हैं 9x माइनस के हैं, यहाँ पर भी 0 हो रहा है। पर दोस्तों क्या स्थिति बन रही है कि x का कोई भी ऐसा विशेष मान नहीं आ रहा है जिसे कि हम एक हल में बता सके कि ये x का मान है। यहाँ पर देखिए क्या स्थिति बनेगी, ये दोस्तों पक्षांतरण हम करेंगे तो बचेगा, अब माइनस 9x को उधर भेजेंगे तो 9x पहले से इधर है, ये 9x हो जाएंगे प्लस के, तो 9x बराबर 9x आ रहा है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9 बराबर 9 क्योंकि x से x को घटा के। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण हमें दिए गए थे इनमें x के किसी भी मान के लिए ये सत्य है, मतलब कि ये जो कथन है x का कोई भी मान हम रखें, यहाँ पर एक रख लीजिए दो रख लीजिए तो बराबर हो रहे हैं इक्वेशन। अब ये स्थिति इस प्रकार से क्यों आई है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दोनों समीकरण एक जैसे थे। किस प्रकार से देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 था, अब यहाँ पर ये पूरा समीकरण जो है 3 से डिवाइड है। तो देखिए जब 3 से डिवाइड कराते हैं तो क्या आता है, 3 का भाग इसमें लगाएंगे 3x होगा माइनस 3y में 3 का भाग y बार जाएगा और 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करें तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो जब समीकरण एक जैसे दिए गए रहते हैं तो वहां पर हम कोई भी x और y का विशेष मान ज्ञात नहीं कर सकते, सभी मानों के लिए ये सत्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस समीकरण का कोई एक हल नहीं होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन का मेथड रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। पर दोस्तों इसमें हमें जो इक्वेशन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3 के और 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3 के। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इन इक्वेशन को हमें सरल करना होगा क्योंकि दशमलव में हम नहीं रख सकते, आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनके जो दशमलव है जो पॉइंट है वो हटा देते हैं और बाद में इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको ये लिखना है दी गई रेखीय समीकरण युग्म में दोनों समीकरण लिखने हैं, दोनों समीकरणों को हल करके हम समीकरण एक और समीकरण दो को बनाएंगे, बाद में उनसे जो मान है प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दी गई रेखीय समीकरण पहली ये है, इसे दोस्तों किस तरीके से हम हल करेंगे, यहाँ से हमें सभी के दशमलव हटाने हैं। तो जब यहाँ पर दोस्तों दाहिने हाथ से दशमलव लगाया जाता है पहली संख्या के लिए, जैसे यहाँ पर एक संख्या बाद में दशमलव है तो इसके बटे में हम 10 रख सकते हैं, अगर दो के बाद में दशमलव होगा तो 100 बटे में रखेंगे। यहाँ पर बटे में 10 रखने का मतलब क्या है कि दशमलव को हम हटा रहे हैं, तो यहाँ पर दशमलव हमने हटाया तो बटे में 10 लिखा, यहाँ से भी हमने हटाया तो 10 लिखा और यहाँ से भी हमने हटाया तो 10 लिखा। अब यहाँ पर देखिए संख्या हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर दोस्तों सभी के बटे में 10 10 है तो समीकरण के LHS और RHS यानी कि बायां और दायां पक्ष को 10 से गुणा करा देंगे, तो 10 से गुणा कराएंगे तो 10 10 सभी से हट जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण नंबर एक होगा। अब इसी प्रकार से इसको हम हल कर लेते हैं तो इसके भी सबके बटे में 10 10 हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा 4x प्लस 5y बराबर बचेगा 23, ठीक है, क्योंकि दशमलव हमने हटा दिया है तो समीकरण एक ये हो जाएगा, दो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें समीकरण ज्ञात करने हैं। यहाँ पर दोस्तों समीकरण एक और दो हमने ज्ञात कर लिए हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर एक से जिससे हम x या y का काल्पनिक मान ज्ञात करेंगे, तो x का कर लीजिए या y का ज्ञात कर लीजिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 3y को उधर पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा, पर दोस्तों x के साथ में 2 गुणा हो रहा है तो x का मान अगर हम निकालें 3y बटे 2 हो जाएगा क्योंकि ये इसके गुणा में था भाग में चला जाएगा, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो सीधा मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ, बार बार मैं मेथड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार मैंने मेथड लिखा है उसी तरीके से चलेगा। तो सीधा मैं दो नंबर समीकरण में रख रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों 4 x का मान हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 और यहाँ पर देखिए आगे हमें दिया गया 5y बराबर है ये 23 23 के, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए इसे कैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों चार है जो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो रहा है, बटे में दो ही आपको रखना है, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा हम करा देंगे। तो देखिए चार का गुणा 13 से कराएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 52, चार का गुणा 3y से यानी कि 12y हो जाएंगे माइनस के, और बटे में दो है जैसा का जैसा रहेगा, केवल ऊपर वाली संख्या से गुणा कराना है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 23 के। यहाँ पर इसे हमें आगे और सोल्व करना है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 52 माइनस 12y बटे 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 है जो 52 के भी बटे में है और माइनस 12y है इसके भी बटे में है, तो दोनों के बटे में अगर हम करते हैं इसका मतलब यह है कि 2 का भाग दोनों में हमें लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग 52 यानी कि 52 में हम लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 26 बार, तो यहाँ पर सीधा हम लिख देंगे 26 माइनस, यहाँ पर देखिए 12 में हम 2 का भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6y, और 5y है तो 5y यहाँ पर हम लिख देते हैं और बराबर हो जाएगा 23 के। अब यहाँ पर देखिए 26 यहाँ पर थे तो यहाँ पहले से है जैसा ही रख देते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस के 6y है और प्लस के 5y है, तो 6y में से 5y घटाएंगे, माइनस का y बचेगा, बराबर है 23 के। अब देखिए 26 को हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो माइनस के y है जैसे के जैसे रहेंगे, 26 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 23 माइनस 26। अब यहाँ पर भी देखिए 26 ज्यादा है 23 कम है, यानी कि माइनस के y बराबर माइनस के कितने बचेंगे, 26 में से 23 हम घटाएंगे 3 बचेंगे, माइनस से माइनस को हम घटा देते हैं तो y बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब y का मान अगर हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, समीकरण 3 हमारा है x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक है, तो 3y की जगह y का मान 3 हमने रखा तो गुणा में है y इसके 3 हम रखेंगे, बटे में इसके चल रहा है 2, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4/2, यानी कि x का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो x हमारा 2 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस तरीके से जब हमें डेसिमल्स में दिए जाते हैं नंबर तो उन्हें सबसे पहले तो नॉर्मल नंबर में हमें चेंज करना है, उसके बाद में हम हल करेंगे। या यहाँ पर दोस्तों आप सीधा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 0.2 x दिया गया है और प्लस 0.3y है, तो इसे पक्षांतरण कर दीजिए और यहाँ पर x का मान 0.2 इसके बटे में चला जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं, इसे 2 रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 और 2 में से किसी भी समीकरण से आप एक चर का काल्पनिक मान ज्ञात कर सकते हैं और समीकरण दूसरे में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से हम करते हैं तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से दिया गया है तो समीकरण 2 से करेंगे तो मान प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको उठा के उधर पक्षांतरण कर देते हैं तो √3x इसे उधर पक्षांतरण करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का √8y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का मान हमें चाहिए तो x बराबर क्या होगा √8y है, बटे में √3 है जो इसके बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से हमने ये मान ज्ञात किया तो इसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में मैं सीधा मान रख रहा हूँ, यहाँ पर बार बार मैं मेथड नहीं लिख रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर x का मान हम रखेंगे √2 है, x का मान हमारे पास आया √8y बटे में √3 और यहाँ पर चल रहा है प्लस के √3y और बराबर में है इसके 0 के, ठीक है। इसे हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से करना है, √2 का गुणा √8 से कराएंगे, √16 होगा और √16 का मान आएगा 4, यानी कि 16 का √ हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4y यहाँ पर है, बटे में है √3 और प्लस √3y बराबर हो जाएगा 0 के। इसे हम आगे और सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन के साथ में एड हो रहा है तो आप सीधा कर सकते हैं कि जो बटे में संख्या होती है इसका गुणा सीधा इससे करा के प्लस में ये करके बटे में ये संख्या रखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए √3 का गुणा हम √3y से करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3y और 4y इसके साथ में रहेगा और बटे में आएगा √3 और बराबर हो जाएगा 0 के। अब √3 इससे गुणा होगा 0 हो जाएगा, यानी कि 4y प्लस 3y बराबर हो जाएगा 0 के,
अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 4y प्लस 3y को हम ऐड करेंगे, 7y होगा बराबर 0 के। y का अगर हमें मान चाहिए तो 0 के बटे में 7 चला जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 0। तो y का मान हमारे पास 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें x का मान चाहिए तो समीकरण 3 में हम y का मान रख देते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 3 देखिए हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 8 गुणा y है। तो स्क्वायर रूट 8 गुणा y का मान 0 रखेंगे, बटे में यहाँ पर चल रहा है स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 8 गुणा होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 में स्क्वायर रूट 3 का भाग लगेगा तो भी 0 आएगा, तो x का मान भी कितना आएगा 0। तो x और y दोनों कितने आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो दी गई रैखिक समीकरण युग्म में 2 हमें दी गई है, इन्हें हमें पहले सोल्व करना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर जो चर दिए गए हैं उनके काल्पनिक और वास्तविक मान ज्ञात करने हैं। तो इसे हम सोल्व करेंगे, सीधा यहीं पे मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो 2 और 3 का एलसीएम हम लेंगे, 6 आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 9x, माइनस 3 का भाग लगाएंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5y से कितना हो जाएगा 10y, बराबर है माइनस के 2 पर, माइनस के 2 के बटे में 1 रख लेते हैं, 6 का गुणा सीधा इससे करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर हो जाएगा माइनस के 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा, इससे हम समीकरण 2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा x से 2x हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा y से 3y हो जाएगा, बराबर में 13/6। अब या तो आप दोस्तों यहाँ पर 6 से 6 को कटा सकते हैं, नहीं तो वज्र गुणा करा सकते हैं। तो बराबर में है तो इसको हम इससे कटा देते हैं, या हम कहें दोनों पक्षों को 6 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पर यह समीकरण 2 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किसी एक समीकरण से आप अक्ष का काल्पनिक मान ज्ञात कर सकते हैं और उसे समीकरण 2 या 1 में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इससे हम ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, 2 से देखिए ज्ञात करते हैं अक्ष का मान, तो वाई के मान को उधर पक्षांतरण करना होगा। तो यहाँ पर पहले से 3y को उधर हम भेजेंगे, 3y माइनस के हो जाएंगे। अक्ष का मान हमें चाहिए था तो 13 - 3y 2 इसके गुणा में है, बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि 2 से तो हमने इसे ज्ञात किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पर देखिए मान हम लगाएंगे तो 9x का मान लिखेंगे, x का मान है 13 - 3y बटे में यहाँ पर है 2, और यहाँ पर हमें दिया गया माइनस के 10y, तो है जैसा का जैसा लिख देते हैं, बराबर है माइनस के 12। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 13 का गुणा 9 से कराना है और 9 का गुणा -3y से कराना है। तो 13 से जब 9 का गुणा हम कराएंगे तो ये हो जाएंगे 117, 3y से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 27y, और बटे में इसके 2 है, ये हमें लिखना है, और माइनस यहाँ पर 10y है बराबर है माइनस के 12। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसके बटे में रख के एलसीएम ले, सीधा डायरेक्ट मेथड क्या है, 2 का गुणा आप 10y से करा दीजिए, ये संख्या है जैसे कि जैसी आएगी और बटे में सभी के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 117 - 27y और माइनस के, देखिए 2 से गुणा हुआ 10 यानी कि 20y, और बटे में यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और बराबर में चल रहा है माइनस के 12। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा माइनस के 12 से हम करा देते हैं, इसे मैं दोस्तों यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 117 - 27y है और माइनस के 20 है और y साथ में, और बराबर देखिए 2 का गुणा माइनस 12 से होगा, माइनस के 24 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27y माइनस के हैं, 20y माइनस के हैं, दोनों को ऐड करेंगे 47 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो दोस्तों माइनस के 47y होंगे। अब 117 को उधर पक्षांतरण करेंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 24 माइनस के 117। तो अब यहाँ पर दोस्तों इसे हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए पूरा समीकरण किस तरीके से, माइनस के 24 है, माइनस के 117 है, दोनों साथ में ऐड होंगे, घटेंगे नहीं। तो 117 में जब हम 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 141 जो माइनस के हैं। अब यहाँ पर देखिए y का मान हमें चाहिए था, लेकिन y के साथ में माइनस के 47 गुणा में है तो इसके बटे में चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 47। माइनस से माइनस को हम हटा देते हैं और 47 का भाग जब 141 में हम लगाएंगे तो 3 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर y का मान कितना आएगा 3। तो यहाँ से दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया कि y का मान हमारा है जो 3 आ रहा है, लेकिन अब हमें x का मान भी ज्ञात करना है। तो 3 नंबर समीकरण को हमने x के इक्वल किया था, तो यहाँ पर हमें लिखना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 है देखिए x बराबर 13 - 3y, तो 3 गुणा y का मान 3 हम रख देंगे, बटे में 2 आएगा। अब देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं, 3 का गुणा 3 से 9 बटे में 2,
13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा, बटे में 2 यानी कि 2 मान आ रहा है। एक्स का मान कितना आ रहा है 2 और वाई का आ रहा है हमारे पास 3। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड चलने वाला है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। मेथड मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में मेथड लिख के मैंने आपको बताया है, तो सेम मेथड सभी का चलने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिया। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे इसी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।